कलर्स टीवी के मसालेदार शो बिग बॉस 17 में घर वालों के परिवार वालों ने एंट्री लेते ही टीआरपी को ऊपर पहुंचा दिया है। सिर्फ यही नहीं, कंटेस्टेंट के घर वालों ने शो में खूब मजे किए तो साथ ही काफी रोना धोना भी हुआ है। अब ऐसे में घर में अभिषेक कुमार की मां ने एंट्री ली है, जिसके बाद उन्होंने ईशा मालविया को एक्सपोज किया है और उनकी पूरी की पूरी हेकड़ी निकाल दी है। बिग बॉस 17 के मेकर्स ने एक नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें अभिषेक कुमार की मम्मी ने एंट्री ली है। प्रोमो के शुरुआत में देखने को मिला कि ईशा मालविया अभिषेक कुमार को एक बार फिर पोक करती नजर आ रही है, जिससे कंटेस्टेंट गुस्से में आ जाते हैं और दोनों के बीच एक बार फिर से तूतू मैमै शुरू हो जाती है। अभिषेक ईशा पर जानबूझकर लड़ने का आरोप लगाते हैं। इसी के साथ वो कहते हैं कि तुम लोग चले गए हो, मैं वापस आ गया हूँ। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक कुमार की मम्मी ने भी घर में एंट्री ले ली है, जिसे देख कंटेस्टेंट खूब रोता है। माँ अपने बेटे को कहती है कि उनको अभिषेक पर बेहद नाज है। इसी के साथ बिग बॉस ईशा और अभिषेक की मम्मी को थेरेपी रूम में बुलाते हैं, जहां काफी कुछ देखने को मिला है। अभिषेक की मम्मी ने ईशा को इस तरह एक्सपोज किया है कि उसकी पूरी की पूरी हेकड़ी निकल चुकी है। ईशा की मम्मी ने उसे एक्सपोज करते हुए बताया कि कब अंकल ने उनके सामने थप्पड़ मारा या टीवी तोड़ा था। हम गेम खेलने आए हैं, जो बाहर की बातें हैं उन्हें बाहर ही रहने देना चाहिए। अब देखना है कि अभिषेक की मम्मी ईशा की और किन किन बातों को नेशनल टेलीविजन पर सामने लाती है।